नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। अक्षय कुमार एक बार फिर पान मसाला की एड में नजर आने पर विवादों से घिर चुके हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मैच के दौरान अक्षय कुमार का एक नया एड दिखाया गया था, जिसमें वो शाहरुख खान और अजय देवगन के साथ नजर आए थे। एड देखकर उन्हें काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि बीते साल अक्षय ने पान मसाला का ऐड करने पर माफ़ी मांगते हुए कहा था कि वो कभी तंबाकू का प्रचार नहीं करेंगे। मैच के बीच में दिखाया गया पान मसाला ऐड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऐड में अजय देवगन और शाहरुख खान अक्षय के साथ पान मसाला प्रमोट करते दिख रहे हैं। इस ऐड का वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर अक्षय की जमकर आलोचना हो रही है। बता दें कि जब अक्षय कुमार पहली बार पान मसाला के ऐड में नजर आए थे तो उनके फैंस ने इस पर नाराजगी जताई थी। फैंस की नाराजगी पर उन्होंने पोस्ट शेयर कर लिखा था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने फैंस और शुभचिंतकों से माफी मांगना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों में आपके रिएक्शन से मुझ पर गहरा असर हुआ है। मैं अब कभी तंबाकू का एंडोर्समेंट नहीं करूंगा। मैं आपकी फीलिंग्स की परवाह करता हूं। विवादों में फंसने के बाद अक्षय कुमार ने पान मसाला कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट तुरंत ख़त्म कर दिया। साथ ही उन्होंने अनाउंस किया था कि वो इस ऐड से कमाई हुई रकम दान कर देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया था कि ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो पुराना ऐड प्रसारित करता रहेगा। इसी के साथ बने राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।